दिल तोड़ने वाली प्राकृतिक आपदाओं से घिरे इतने सालों बाद जहां वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी थी कि ग्लोबल जलवायु परिवर्तन से इन घटनाओं के होने का खतरा बढ़ सकता है, अब दुनिया का ध्यान पुराने जमाने की आपदाओं की तरफ गया है। हालांकि पिछले 10 सालों में प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा बारंबार और खौफनाक होती जा रही हैं। मानव इतिहास प्रकृति की तबाहकारी घटनाओं से भरा पड़ा है। भूकंप से लेकर आग और सुनामी तक प्रकृति ने अपनी क्रूरता कई बार दिखाई है। ये कोई बताने वाली बात नहीं कि प्रकृति की क्षमताएं क्या हैं, और जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो ये काफी फिल्मी लग सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमेशा हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। 14वां, लिटुया बे, अलास्का। सुनामी तब होती है जब पानी के नीचे की टेक्टोनिक एक्टिविटी पानी को जबरन ऊपर और बाहर की ओर फेंकती है। मेगा सुनामी तब होती है जब बड़ी मात्रा में पत्थर या मिट्टी पानी में गिरते हैं, जिससे पैदा होने वाली शुरुआती लहरें सैकड़ों मीटर ऊंची हो सकती हैं। लिटुया बे में 1958 में आई मेगा सुनामी से पहले ये दुर्लभ घटनाएं साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज्ड नहीं थी, लेकिन उस साल 9 जुलाई को 3 करोड़ क्यूबिक मीटर पत्थर की चट्टानों ने गिलबर्ट इनलेट के एंट्रेंस पर 1710 फीट ऊंची लहरें पैदा की थी, जिससे पेड़ों का पूरा झुंड खत्म हो गया। 13वां, नायोस झील, कैमरून। 1986 में ये वॉल्केनिक झील ऐसे एनवायरमेंटल हादसे का शिकार हुई जिसने 1746 जाने ली। इसकी गहराई, स्थिरता और वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से इस झील में प्रति गैलन पानी के लिए 5 गैलन कार्बन डाइऑक्साइड थी, और इस गैस के बनने की वजह से मुसीबत की शुरुआत हुई। 21 अगस्त को गैस इतनी सैचुरेटेड हो गई कि पानी की पकड़ से बाहर निकलकर विस्फोट हो गया और ऐसे जहर के बादल का निर्माण हुआ जिसकी गति 60 मील प्रति घंटा थी। इसने अपने रास्ते में आने वाले लोगों और जानवरों का दम घोट दिया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने झील की गैस के लिए एस्केप वॉल्व और एक वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया ताकि अगर दोबारा विस्फोट हो तो मदद मिल सके। 12वां, लूसाय, इंडोनेशिया। जब सिल्ट की अंडरग्राउंड परतों पर दबाव पड़ता है और किसी बाहरी घटना की वजह से विस्फोट हो जाता है तो मिट्टी का ज्वालामुखी बनता है। 2006 के जानलेवा लूसाय विस्फोट में ये वजह थी असुरक्षित गैस ड्रिलिंग। चाहे जो हो, मिट्टी के इस ज्वालामुखी से उबलते पानी, मिट्टी और हाइड्रोजन सल्फाइड का विस्फोट हुआ जिससे आसपास के गांव दफन हो गए और अब तक 16 लोग मर चुके हैं। नुकसान अभी भी जारी है। मिट्टी के इस ज्वालामुखी का अगले 25 से 30 सालों तक फूटते रहने का अनुमान है। 11वां, सेंट्रालिया, पेंसिल्वेनिया। 1962 में नजदीकी लैंडफिल को साफ करते वक्त सेंट्रालिया के पास कोयले की खदान में आग लग गई। जब नागरिकों को लगा कि आग को बुझा दिया गया है, ये अंडरग्राउंड कोयले के जमाव के जरिए बहती गई, जहरीली गैस फैलती गई और इसने शहर के गैस सप्लाईज को 180 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया और आखिरकार शहर के नीचे सिंक होल्स बना दिए। वो आग आज भी वही है, लेकिन शहर नहीं, क्योंकि वो अब रहने लायक नहीं बचा है। 10वां, न्यू मैड्रिड, अरकानसा। 1812 में ये क्षेत्र अमेरिकी इतिहास के सबसे ताकतवर भूकंप के झटकों से प्रभावित हुआ। क्योंकि ये क्षेत्र बहुत कम आबादी वाला था, इसलिए ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई, लेकिन इसके झटकों से नजदीकी मिसिसिपी नदी में दुर्लभ सैलाबी सुनामी आ गई और इस वजह से वो नदी कई घंटों तक पीछे की तरफ बहती रही। 9वां, टैंगशन अर्थक्वेक, चाइना। 1976 का ये भूकंप 20वीं सदी का सबसे जानलेवा था और ये अपनी राजनीतिक स्थिति के लिए भी मशहूर हुआ। 8 मैग्नीट्यूड के इस झटके ने चीन को राजनीतिक संकट में डाल दिया और देश की सरकार ने आपदा के बाद यूएन की मदद लेने से इनकार कर दिया। सरकार के इस रिस्पांस पर जनता के गुस्से ने कल्चरल रेवोल्यूशन को खत्म करके हुआ गुओफेंग को राजनीतिक ताकत हासिल करने में मदद की। 8वां, टंगूस्का इवेंट, रशिया। ये इस लिस्ट की सबसे रहस्यमय घटना है क्योंकि हमें अभी भी ठीक से नहीं पता कि 1908 का ये विस्फोट आखिर क्यों हुआ।
इतना मालूम है कि साइबेरिया के जंगल में एक ताकतवर विस्फोट हुआ जिसने 8 करोड़ पेड़ों को जड़ से उखाड़कर जंगल के लगभग 1,350 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को साफ कर दिया। हालिया थ्योरी विस्फोट की वजह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एक कॉमेट की एंट्री बताती है जिससे एयर बस्ट हुआ। फॉर्चुनेटली इस क्षेत्र में कोई रहता नहीं था इसलिए केवल पेड़ों का ही नुकसान हुआ। सातवां, आयजा फिजाला जोकल आइसलैंड। ये मशहूर ज्वालामुखी 2010 में फूटा जिससे वातावरण में विशालकाय राख का बादल तैयार हो गया। इससे डर्टी थंडरस्टॉर्म नामक एक दुर्लभ फिनोमिनन का जन्म हुआ। जब इलेक्ट्रिकली चार्ज राख और पत्थर फूटकर हवा में ऊंचाई तक गए तो ज्वालामुखी की राख से बिजली निकली। छठा, चंद का जंगल भारत। 1972 में भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मी की तेज लहर के साथ सूखा आया और साथ ही आया हाथियों का उत्पात। खाने और पानी की तलाश में हाथियों के झुंड ने चंदका जंगल के गांवों में घुसकर इमारतों को तबाह कर दिया और 24 लोगों को मार डाला। पांचवा, पेन्योर झील लुइजियाना। मानवीय भूल की वजह से हुई ये आपदा भी प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। 1980 में एक टेक्सिको ऑयल एक्सपेडिशन ने सीधे पेन्योर झील के नीचे स्थित नमक की खदान में ही ड्रिल कर दिया जिससे ऐसा भंवर पैदा हुआ जिसने 65 एकड़ जमीन और 400 फुट का गीजर निगल लिया। वैसे इस आपदा में सिवाय कुछ लोगों के करियर के कुछ और खत्म नहीं हुआ था। चौथा, द मिसिंग समर। 1815 में एक ज्वालामुखी के विस्फोट ने न केवल सूरज पर बल्कि आने वाली पूरी गर्मियों पर धब्बा लगा दिया। माउंट टेम्बोरा का विस्फोट उसके पड़ोसी देश इंडोनेशिया के भी पार महसूस किया गया। तापमान -17 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, खेती के नुकसान से भुखमरी हो गई और इटली में लाल रंग की बर्फ की परत बिछ गई। आज ज्वालामुखी का कॉल्डेरा शांत है। तीसरा, भोला बांग्लादेश। 1970 की इस आपदा को हाल की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्राकृतिक आपदा होने का सम्मान हासिल है। अब तक के सबसे घातक चक्रवात साइक्लोन में लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई जिसमें से ज्यादातर की मौत लो लाइंग गंगेज डेल्टा की बाढ़ की वजह से हुई। इस गड़बड़ ने बांग्लादेश मुक्त युद्ध यानी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की चिंगारी भड़काई जिसका नतीजा आगे जाकर बांग्लादेश की आजादी में हुआ। दूसरा, 2004 में हिंद महासागर में आया भूकंप और सुनामी। हिंद महासागर के किनारों पर आई कुख्यात बॉक्सिंग डे सुनामी में 14 देशों के लगभग 2,27,898 लोगों की मौत हो गई थी। इसके सबसे ज्यादा शिकार इंडोनेशिया के एक शहर बैंडा आचे में हुए। ये इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी जाती है। सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड को हुआ था। इस सुनामी की शुरुआत भूकंप की तरह हुई और माना जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड 9 था। इस भूकंप की वजह से समुद्र तल अचानक कई मीटर से ऊंचा उठ गया और पानी की बहुत बड़ी मात्रा में हलचल मच गई जिसकी वजह से सुनामी पैदा हुई। कुछ लहरें तो लगभग 100 फीट ऊंची थीं। और अब इतिहास की सबसे उल्लेखनीय प्राकृतिक आपदा जो इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदा भी है, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी है? पहला, चीन में 1931 में आई बाढ़। 1931 में चीन में आई बाढ़ से लगभग 10 से 40 लाख लोगों की मौत हो गई। चीन की 1931 की बाढ़, जिसे 1931 की यांगत्ज़ी हुआई नदी की बाढ़ भी कहा जाता है, तब हुई जब 1928 से 1930 के बीच चीन में लंबा सूखा पड़ा और फिर घातक बाढ़ की एक सीरीज शुरू हो गई। 1930 में तेज ठंड पड़ी जिससे पहाड़ी इलाकों में बड़ी मात्रा में बर्फ पड़ी, पिघलती हुई बर्फ के साथ तेज बारिश तबाही लाने वाली बाढ़ में बदल गई। इस बाढ़ ने लगभग 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर में तबाही मचाई और ये इलाका इतना बड़ा है जितना पूरा इंग्लैंड या फिर न्यू जर्सी, कनेटिकट और न्यूयॉर्क राज्य मिलाकर बनता है। बाढ़ के वक्त सरकार का अनुमान था कि 2.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे, लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है कि करीब 5.5 करोड़ लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए थे। हालांकि मरने वालों की संख्या ठीक से पता नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स कहते हैं कि मरने वालों की संख्या 40 लाख तक रही होगी।
तो अब इतिहास की सबसे उल्लेखनीय प्राकृतिक आपदाओं की इस जानकारी के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपने कभी किसी प्राकृतिक आपदा को देखा है? क्या हुआ था? इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।